खोया बेच रहे हो? सही है। तो क्या प्राइस है इसकी? कितना? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए सेम टिकट है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये झूला पाकिस्तान में नंबर वन चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है जी आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम आए हैं जी एक विलेज के मेले के अंदर। ठीक है, मेरे ही गांव में एक मेला लगता है। तो बैक पे आप देख लें झूले वगैरह, ये देखें लगे हुए। सही है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको जी मेले का सारा शुगल मेला दिखाने वाला हूँ। और पूछेंगे, भाइयों से मिलेंगे और पूछेंगे कि ये मेला कब से लग रहा है। ठीक है, तो चलते हैं जी वीडियो की जानब। और आज की वीडियो जो है बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चलते हैं जी वीडियो की जानब। तो फ्रेंड्स इस मेले का आगाज़ ही झंडे इकट्ठे करने से होता है। पूरे गांव में से तकरीबन जो जो घर जो झंडा देते हैं, ठीक है, मेले की तरफ, तो उनके घरों से जो झंडा वगैरह ढोल लेकर इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है, और ये देख लें अभी लोग भी साथ में मिल रहे हैं। जिनके घर से झंडा उठाया जाता है उनके घर के जो अफराद हैं वो भी साथ चल देते हैं। तो अभी झंडे इकट्ठे करके जो मेले की तरफ जा रहे हैं ये देख लें जी। तो फ्रेंड्स ढोल वाले भी बहुत सारे इकट्ठे जाते हैं जी हमारे इधर झंडे इकट्ठे करने के लिए। ये देख लें ढोल वगैरह और ये झंडे की सजावट देख लें किस तरह सजाए हुए हैं। तो हर घर के अफराद ने अपने घर के लिए झंडा उठाया हुआ है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इसी वजह से जो है ये सबसे बड़ा झंडा है। ये देख लें जी इसकी सजावट वगैरह चेक कर लें। तो इस झंडे को जो है नीचे लिटाया हुआ है, खड़ा नहीं किया हुआ, क्योंकि ये देख लें बाकी झंडों की हालत के हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और ये जो बिलॉन वगैरह इनसे बांधे हुए हैं वो उड़ रहे हैं। ठीक है, ये देख लें अभी इस घर के बाहर खड़े हैं क्योंकि इस घर से भी झंडा आने वाला है। ये देखें जी अफराद लेके झंडा निकल रहे हैं बाहर। ठीक है, और ऐसे ही तमाम घरों से झंडे इकट्ठे किए जाते हैं। जिनकी मन्नतें वगैरह पूरी होती है तो वो मेले के अंदर अपने झूमर वगैरह लगाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने जो अपने घर से निकलते झूमर स्टार्ट की थी और अभी तक जो है वो झूमर लगाते आ रहे हैं। तो ये मेले तक लगाते जाएंगे काफ़ी देर तक जो है। ये देखें जी, ठीक है, झूमर देखें इनकी। तो फ्रेंड्स ये तो झंडे, अब हम चलते हैं जी मेला जिस जगह अरेंज होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये जगह है जी, यहाँ पे मेला होने वाला है। ठीक है, ये ग्राउंड वगैरह अभी इधर झंडे वगैरह आएंगे और ये शॉप्स स्टॉल लगे हुए हैं। ठीक है, ये सामने भी देख लें स्टॉल लगे हुए हैं। तो अभी चल के मैं आपको स्टॉल भी दिखाता हूँ किस तरह से लगाए हुए हैं। तो इधर की जो आवाम है वो दुकानें वगैरह अपने इधर लगाते हैं और सामने झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। देख लें, ये सूर्य सामने तो कैमरा फोकस नहीं कर रहा। तो ये देख लें फ्रेंड्स जिस तरह हमारे मुख्तलिफ मेलों के अंदर प्रसाद के लिए रखे होते हैं। तो ये देखें ये इधर प्रसाद के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, इधर से लेके जो लोग बांटते हैं अपने प्रसाद, ये देख लें। तो ये मुख्तलिफ किस्म के प्रसाद हैं। और फ्रेंड्स गर्मियों का मौसम है तो इसीलिए गोले वगैरह भी रखे हुए हैं इस मेले में आए हुए हैं। सही है, ये देख लें भाई गोला बना रहे हैं। तो भाई क्या हाल है? ठीक हो? तो ये गोले वाला काम आप कब से कर रहे हो? मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, सही है। वैसे हमने 30 साल हो गए। वाह जी वाह, 30 साल हो गए, मतलब आपका खानदानी काम है ये। तो ये है जी फ़ोटो स्टॉल। तो यहाँ पे रिमर खान से मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग आते हैं तो यहाँ पे वो अपनी यादगार के लिए फ़ोटो बनवाते हैं। और ये साथ में फूड पॉइंट हैं, इधर फास्ट फूड वगैरह मिलती हैं। और बाकी स्टॉल भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इधर अनार का जूस मिल रहा है। ये देखें, और साथ में ये देखें गोलगप्पे और बाकी भी काफ़ी चीज़ें जो है खाने पीने की इधर आई हुई हैं। और मैं आपको पहले पूरा मेला विज़िट करवाऊँगा और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला फ्रेंड्स। ठीक है, सामने झूले वगैरह भी आए हुए हैं। और ये देखें चिकन बॉक्स। ठीक है, ये देखें सामने झूला चल रहा है। और अभी फिर से चलते हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ झंडे वगैरह किधर से आ रहे हैं। ठीक है, ये ड्रेस हैं और ये देखें ये झंडे इधर से आ रहे हैं मेले की तरफ। और चल के दिखाता हूँ आपको जी लोग झूमर वगैरह किस तरह से खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेले में बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे जो है झूमर मुकाबला होता है। ठीक है, झूमर का कंपटीशन होता है और लोग ज़िद में झूमर खेलते हैं। और ढोल कंपटीशन भी होता है, वो भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ जी। इधर ढोल जो बजाएंगे और टैलेंटेड मास्टर हैं ढोल के, वो भी आपको दिखाऊँगा। बच्चे बड़े सभी मेले की खुशियों में शरीक हैं। और देख लें जी बड़े भी झूमर लगा रहे हैं।
ये देखे जी, गांव की एक साइड के झंडे तकरीबन इकट्ठे होके आ गए और दूसरी साइड के झंडे जो अभी इकट्ठे होके आने वाले हैं, तो हम देखेंगे थोड़ी देर में। अभी देखें फ्रेंड्स, दोनों तरफ के जो झंडे हैं गांव के दोनों तरफ के वो आ चुके हैं। ये देख लें, ये एक साइड से झंडे आए हैं और ये वाले झंडे जो हैं दूसरी साइड से हैं। ठीक है, अभी ढोल कंपटीशन होने वाला है इधर। टैलेंटेड मास्टर ढोल के बुलवाए हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये तो उनको बुलवाया, वो आ रहे हैं इधर ढोल बजाने के लिए। सही है, तो ये हैं जी ढोल मास्टर, ये देख लें। ठीक है, अभी इंटर होंगे और स्टार्ट। बहुत ही अमेजिंग यार, बहुत ही मज़े का ढोल बजाया। देखा किस तरह दांतों में पकड़ के जो ढोल बजाना बहुत ही मुश्किल काम है एक, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं ये देखें, तो इधर भी कर रहे हैं, इधर गर्दन में डाल के घूमते भी हैं और साथ में ढोल भी बजाते हैं। ये टैलेंटेड हैं जी, तो आम जो इंसान है उसका ये काम ही है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है उस ग्राउंड के अंदर जो है झंडे वगैरह सारे इकट्ठे हो गए हैं और लाइनों में एक रिंग की शक्ल बना रहे हैं। ठीक है, ये देख लें, रिंग की शक्ल में जो सारे झंडे वगैरह इधर इकट्ठे कर दिए हैं और इधर भी जो ढोल बजाएंगे, और पहले इनके ऊपर जो ढोल वाले और बाकी लोग हैं उनके ऊपर जो मेला अरेंज करवाने वाले इंतजामिया वो पैसे वगैरह बाहर फेंकेगी। ठीक है, ये देख लें, ये झंडे वगैरह सजाए हुए, और इधर जो ग्राउंड मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो भर चुका है अभी, ये देख लें। और ढोल वाले जो हैं अपने ढोल बजाने में मगन हैं। तो हर साल ये ढोल वाले इधर आते हैं और तकरीबन मेरी एज से भी पहले का ये मेला हो रहा है। ये देख लें फ्रेंड्स, दूसरा टैलेंट वो गर्दन के अंदर यानी गले के अंदर डाल के ढोल को बजाने वाले हैं। ढोल का जो पटा वो देखें, ये देखें जी, गर्दन के अंदर डाला हुआ है और किस तरह से ढोल जो काफ़ी भारी है, लेकिन देखें बजने में भी कोई जो है रुकावट नहीं आ रही, ये देखें। तो ढोल बजाने के बाद जी अभी परमिशन दी गई है सबको कि वो अपने जो झंडे वगैरह हैं वो एक जगह पर रख दें। वो सामने जो पीर का मज़ार है और यहाँ पर जो है सारे झंडे वगैरह रख दिए जाएंगे, तो जो लोग भी झंडा चढ़ाने के लिए अपने झंडा लेके आए हैं वो सारे इधर रख देंगे। ये देखें, तो तमाम लोग इधर झंडे रख रहे हैं, तो तमाम के तमाम झंडे जो हैं सारे इधर रख दिए गए हैं। और अभी चलते हैं, मैं मेले का बाकी व्यू आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी मेले का बाकी व्यू किस तरह का है। सही है, तो ये देख लें, ये झूले वगैरह लगाए हुए हैं। सही है, और अभी आपको मैं मिलवाता हूँ बाकी भाइयों से भी। तो राम राम भाई। जय श्री राम भाई। भाई क्या नाम है आपका? चांद कुमार भाई। चांद कुमार, क्या हाल है? ठीक भाई। ठीक हो, तबीयत से ठीक है? ठीक। तो आप इधर क्या करने आए हुए हो भाई? हमारे घर के साथ मेला लगता है कि ये शोर शराबा देकर और मैं बच्चे लेकर आ गया हूँ। सही हो गया जी, भाई कह रहे हैं घर के साथ ही मेला लगता है, तो ये बच्चे वगैरह इधर खिलाने के लिए लेके आए हैं। सही है, तो भाई कितने सालों से ये मेला लग रहा है? ये भाई मेरी उम्र से ज्यादा पहले लग रहा है, 50 साल हो गए इसको। तकरीबन 50 साल हो गए। सही है, तो फ्रेंड्स ये देख लें जी, मेले में खाने पीने की चीज़ें भी आई हुई हैं बिकने के लिए। और ये हैं जी अंकल, तो इन्होंने ये इधर सोन हलवा लगाया हुआ है। तो अंकल क्या हाल है? ठीक है भाई। ठीक हो, तबीयत से ठीक है? तो क्या ये क्या अलग बेच रहे हो आप? खोया सोन हलवा। खोया बेच रहे हो? सही है, तो क्या प्राइस है इसकी? कितने इस 50 रुपए का कितना तोल के देते हो? 50 ग्राम। 50 रुपए का 50 ग्राम। सही हो गया जी। ये देखें जी, ये छोटा झूला जो कि बच्चे खुद ही इसमें बैठ के झूलते हैं। सही है, और ये साथ ही बड़ा झूला है वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये देख लें, जंप लगाने वाला झूला है जिसके ऊपर जंप वगैरह लगाए जाते हैं, बच्चे इसके ऊपर भी खेलते हैं। ठीक है, और ये देख लें जी, मेले में बहुत ज़्यादा रश है। तो अभी चल के मैं आपको ये जो बोट लगी हुई है बड़ी कश्ती, ये वाली, ये देख लें, ये झूला अभी स्टार्ट होने वाला वो दिखाता हूँ। तो अभी ये दोस्त हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं इस झूले को। ठीक है, ये देख लें जी, ये इंजन है, जनरेटर, ये स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद जो ऊपर झूला स्टार्ट होगा चलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी ये देखें रेस दे रहे हैं भाई, लेकिन झूला बहुत ही भारी है और अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादा बिठाए हुए हैं, इसलिए जो थोड़ा लोड लेगा। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही रेस को बढ़ाते जाएंगे तो वो झूला जो है, ये देखें, ये अभी रेस को बढ़ाएंगे वो रस्सी से, ये देखें फ्रेंड्स,
अभी जो है स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखने फ्रेंड, ये जो सामने वाले भाई हैं ना, ये हमारे पास इंजन चलाते हैं। सही है, इन्होंने जो कश्ती ये चला रहे हैं ये, और ऊपर इसकी ऊंचाई वगैरह देख लें। हाँ ये देख लें फ्रेंड्स, ये देखें जी, ये एक्सपर्ट बंदे हैं जी कश्ती चलाने के लिए। ये देखें तो इनकी महारत आप अभी देख ही चुके हैं, तो मौत का ज़रा भी डर नहीं है यार इनको। तो अभी रोक रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं इसकी, तो काफ़ी चल चुका है, तो अभी जो है इसकी ब्रेक दबा रहे हैं, वो देखें जी। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में झूला रुकता है, तो जैसे ही रुकता है तो भाई से पूछते हैं कि ठीक है, मिलते हैं इनसे और इनके काम के बारे में जानते हैं इनसे। चलें फ्रेंड्स, अभी मिलते हैं जी भाई से और इनसे पूछते हैं कि ये कब से ये काम कर रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका? शहजाद अली। शहजाद अली, शहजाद अली आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो चुका है? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो ये इंजन जो लगा हुआ है इसमें, ये कितनी पावर का लगा हुआ है? 1800 सीसी है। 1800 सीसी का पावर का इंजन लगा हुआ है और सही हो गया जी। तो आप ये जो है काम मतलब 4 साल से कर रहे हैं, ठीक है, जगह जगह मेलों पे लेके जाते हैं आप इसको? हाँ जी, सिंध भी जाते हैं, पंजाब भी जाते हैं, रीमेर भी करते हैं। सही हो गया फ्रेंड्स, अभी कहते हैं जी सिंध के मेले में भी ये लगाते हैं, और अभी जो फिलहाल ये मेला रहीमार खां में लगाया गया, तो यहाँ पे देखें इन्होंने ये अपना जो स्टॉल लगाया। तो कितने दिन हो गए अभी आपको इधर आए हुए? हमको हो गए आज 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए हैं, तो अब ये 10 दिन पहले आए हुए हैं। सही है जी, तो ये देख लें फ्रेंड्स इन्होंने कितनी मेहनत की है। तो फ्रेंड्स मैं आप इनसे भाई से पूछते हैं, तो ब्रदर इनको लगाते हुए कितना टाइम लगता है इसको जोड़ते हुए? तसली से करते हैं 2 दिन लगते हैं, अगर कोशिश करते हैं तो जल्दी होती है 1 दिन में। 1 दिन में जोड़ लेते हो मतलब आप इसको? तो भाई की महारत है जी, भाई कहते हैं जी 1 दिन में इसको हम जोड़ लेते हैं। सही है, तो भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुल्तान आप इनके साथ कब से काम कर रहे हो? ये हमारा अपने कारोबार है, कज़न का है। ठीक है, आपके कज़न का काम है, ठीक है, आप इनके साथ कब से मिले हो? ये तो इसी मेले से मिले, कि हमारा बचपन का काम है। सही है, मतलब आप इस मेले से इनके साथ काम करते हो। तो इसकी टिकट आप कितनी ले रहे हो? 100 रुपये टिकट ले रहे हैं। 100 रुपया टिकट ले रहे हो, सही हो गया जी। भाई बोल रहे हैं जी 100 रुपये टिकट है इसकी। ठीक है, और अभी जो बाकी मेला है वो इस साइड पे लगा हुआ है, मैं चल के आपको दिखाता हूँ जी बाकी इस साइड का ओवरव्यू। ये देखें फ्रेंड्स, ठीक है, तो कश्ती चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें जी बाकी जो सवारी अंदर बैठी हुई इसके। ये देखें जी छोटे भाई दोनों इसी के लगे हुए हैं। तो कश्ती रुक चुकी है और ये देखें ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, उतर रही है अभी जो लोग आवाम इधर चढ़े हुए थे इसके ऊपर वो उतर रहे हैं नीचे। ये देखें जी बहुत ही ऊंची करके लगाई हुई है जी, और चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ वगैरह बनाई हुई हैं। ठीक है, तो अभी चलता हूँ मैं, साथ में बाकी झूले हैं जो वो आपको दिखाता हूँ। ये देख लें फ्रेंड्स, ये झूला भी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो क्योंकि इसकी टिकट वगैरह जो है वो कम है, तो गरीब जो हैं वो इधर से झूला वगैरह झूल लेते हैं बच्चे उनके। ये देख लें जी बच्चों के लिए जो ये भी ज़बरदस्त है, और इसमें जो है बैठने के लिए देखें घोड़ा शेर हाथी वगैरह बनाए हुए हैं। सही है, और वो सामने जो है वो ट्रेन है, अभी चलते हैं ट्रेन देखते हैं जी, मिलते हैं उनसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं जी भाई से मिलते हैं। तो भाई क्या नाम है आपका? इकराम। इकराम, तो इकराम ये झूला आपने लगाया हुआ है, तो इसमें कितनी डोलियां लगाई हुई हैं? 16 डोली लगाई हुई है। 16 डोलियां लगाई हुई है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको रेलगाड़ी बोलते हैं। रेलगाड़ी बोलते हैं, और ट्रेन की टिकट आपने साथ में लिखी हुई है जी 50 रुपए। ठीक है, तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक ही टिकट है? बच्चों के लिए बड़ों के लिए सेम टिकट है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि ये झूला पाकिस्तान में नंबर 1 चल रहा है, ये झूला भी बहुत बड़ा है, सही हो गया, दुनिया में फर्स्ट जा रहा है, बहुत अच्छा झूला है, इस पे सवार। तो कितने साल से आपने ये लगा हुआ है? ये मेरे पैदा होने से पहले का लगा हुआ है। आपके पैदा होने से पहले का, और आप ये कब से चला रहे हैं? मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। ये देखें फ्रेंड्स, मेला है तो मेले में लंगर तो लाजमी होता है। ये देख लें इधर लंगर है जिसको भंडार बोलते हैं, ठीक है, इधर भंडार पेश किया जाएगा इनको, और ये देखें खाना वगैरह जो है सभी को नीचे बिठा के लाइन में बना के दे रहे हैं। ये भाई जो हैं रोटियां बांट रहे हैं, ये देखें ये रोटियां दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स नीचे बिठाने का मकसद है कि इधर अमीर और गरीब सभी को बराबर जगह पर बिठाया जाता है नीचे ही, तो ये रोटियाँ देंगे और बाद में जो है इनको सालन देंगे।
फ्रेंड्स सालन के अंदर इधर जो लंगर में है वो दाल बनाई गई है, ये देख लें ये परातों के अंदर जो दाल लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ग्रुप्स की शक्ल में इनको बिठा के जो है दाल परातें दी जा रही हैं, परातों में दाल दी जा रही है, ये देखें बैठे बिठा के। और बाकी लोग ये जो है लाइनें बना के भी बैठे हुए हैं, ये देख लें ये परातें और इसके अंदर जो है दाल बनाई गई है जी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो सामने देखें जी, ये देखें मैं जूम करके कोशिश करता हूँ आपको दिखाने। ये देखें ये बाल्टी के अंदर लेके फिर रहे हैं और जिनके पास जो दाल वगैरह ख़त्म हो रही है तो उनको और दे रहे हैं, ठीक है बाल्टी में। और बाकी लोग जो हैं कुछ खाना खा के जा चुके हैं और कुछ जो हैं वो भी खा रहे हैं, जैसे ही आते जा रहे हैं तो उनको नीचे बिठा के खाना दिया जा रहा है। फ्रेंड्स नाइट हो चुकी है, ये देखें नाइट, और मुझे टाइम ही अभी मिला है कि मैं कश्ती के ऊपर झूला झूलूं, ठीक है। ये देखें जी कश्ती के ऊपर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ मेले का, ये नाइट व्यू है जी, ये देख लें नाइट व्यू कुछ इस तरह का। और बाकी लोग जो अभी इधर से कश्ती में सवार होने वाले हैं, ये कश्ती देख लें रात में इसके ऊपर लाइटिंग वगैरह की गई है, ठीक है। और ये देखें नीचे जो बच्चे झूले के ऊपर झूल रहे हैं और खेल रहे हैं वो देखें, ठीक है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम भी बैठ चुके हैं कश्ती के अंदर और कश्ती को जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं वो, ठीक है अभी ये स्टार्ट होने वाली है, ये देख लें जी। और शोर से आपको पता चल रहा होगा कि डर बहुत ही ज़्यादा लगता है, ये देख लें क्योंकि काफ़ी ऊंचा झूला बनाया हुआ है। तो मेरे साथ बाकी भी हमारे हिंदू दोस्त हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा डर लगता है यार कश्ती में बैठ के, और मेरे साथ ये भाई थे भाई। तो अभी जो है रुक रही है, ठीक है ये देखने आप बाकी वहाँ जो बैठी हुई है क्या थी। अरे लाल भाई का कहना है कि ये जिंदगी का पहला राग है, ये पहला फैसला मेरा, दोबारा मेरी तौबा, मैं कश्ती में नहीं बैठूंगा। भैया 100 रुपया भर के भी यार इतना डर लग रहा है, तो लोग पता नहीं किस तरह से बार बार बैठ रहे हैं इसमें, बहुत डर लगता है भाई उधर देखे भाई। ठीक है फ्रेंड्स तो अभी उतरते हैं जी, बहुत डर लगता है यार, टांगे कांप जाती है इधर।